जय श्री राम। भगवद्गीता 18 चैप्टर अथा अष्टादशोध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने पूछा, संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश ऋतक्खेशी विशूदन। अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निशूदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके अलग अलग उनका भेद कहिए। श्री भगवान वाचा, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहु सर्वकर्म फलत्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षण। श्री भगवान बोले, ज्ञानी पंडित जन संपूर्ण सकाम कर्मों के फल के त्याग को संन्यास कहते हैं। त्याज्यम दोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यम इति चापरे। कितने ही ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि दोष रूप कर्म को छोड़ देना चाहिए, और कितने यह भी कहते हैं कि यज्ञदान और तप आदि कर्मों का त्याग ना करें। निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे भरतर्षभ, हे पुरुष सिंह, इस त्याग के विषय में जो मेरा निश्चय है उसे सुनो। यह त्याग तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तपकर्मा नत्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपादिक कर्मों का त्याग कदापि ना करें, अपितु इनका अवश्य करें। यज्ञ दान और तप विवेकी पुरुषों के चित्त को शुद्ध करने वाले हैं। एतान्यपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। हे अर्जुन, कर्मों में आसक्ति और कर्मफल की आशा त्याग कर कर्म श्रेष्ठ है। त्याग करना कर्म श्रेष्ठ कर्म वही है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। संध्या और पंचमहायज्ञादि कर्म नित्य हैं, इनका त्यागना उचित नहीं है। जो मनुष्य मोह से इनको त्याग देता है उनका त्याग तामस कहलाता है। दुःखमित्येव यत्कर्म कार्यक्लेश भयात्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। इनके करने से केवल कष्ट होता है, ये दुख रूप है, यह जानकर जो कर्म को त्यागता है वह त्याग राजस कहलाता है। इस त्याग का फल कुछ नहीं मिलता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, यह कर्म अवश्य करना है, यह जानकर नित्य कर्म को अवश्य करें और आसक्ति तथा कर्मफल की आशा को त्याग दें, यह सात्विक त्याग कहलाता है। न द्वेष्ट्य अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। मेधावी छिन्न संशयः। हे अर्जुन, जो सात्विक गुणों से युक्त है, बुद्धिमान है, जिसके संशय दूर हो गए हैं, ऐसा त्यागी दुखदायी कर्मों से द्वेष नहीं करता और सुखदायी कर्मों से प्रीति नहीं करता, वह सात्विक त्यागी है। नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी त्यभिधीयते। कोई भी देहदारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, परंतु जो कर्म फलों को त्याग देता है वही त्यागी है। अनिष्टमिष्टम मिश्रण च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनां प्रेत्या न तु संन्यासिनां क्वचित। अनकही वस्तु का मिलना, चाही वस्तु का ना मिलना,
चाही अनकही वस्तुओं का मिलना, ये तीन प्रकार के फल फलाभिषयों को मिलते हैं। परंतु जो सन्यासी है उनको वे नहीं मिलते। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे, सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि कर्मों के अंत के जो पांच कारण सांख्य सिद्धांत में कहे हैं उनको मैं कहता हूँ। अधिष्ठानम तदा कर्ता, अधिष्ठानम तदा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। शरीर, जीव, मन और चक्षुरादि इंद्रिय, प्राणादिक पांच वायुओं की चेष्टा और दैव इसमें कारण है। शरीरवान्मयोभिर यत्कर्म प्रारभते नरः, न्यायम वा विपरीतम वा पंचयते तस्य हेतवः। शरीर, वाणी और मन के द्वारा मनुष्य जिस न्याय अथवा अन्याय कर्म को करता है उसके वे ही पांच कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् अकृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। इन पांच कारणों के होने पर जो केवल अपनी आत्मा को कर्ता मानता है वो दुर्बुद्धि यथार्थ ज्ञान का ज्ञाता नहीं है, वह यथार्थ बात को नहीं देखता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि न इमान लोकान नहंति न निबध्यते। जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है वह इन सब लोकों को मारता है तो भी उसे मारने का पाप नहीं लगता। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। कर्तव्य कर्मों में सुख साधन होने का योग, सुख साधनमय कर्म, ज्ञान का आश्रय, ये तीनों काम के प्रेरक हैं। साधक कर्ता का इष्टकर्ता और क्रिया का करने वाला, ये तीनों कर्म के आश्रय हैं। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण सांख्याने यथावत् श्रुणुतान्यपि। हे अर्जुन, सांख्य शास्त्र में गुणों के भेद ज्ञान, कर्म और कर्ता तीन प्रकार के कहे हैं, उनको यथावत कहता हूँ। सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से स्थावर जंगम आदि संपूर्ण भिन्न भिन्न प्राणियों में अभिन्न और अविनाशी एक ही भाव दिखाई देता है वो सात्विक ज्ञान है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नानाभावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम्। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से संपूर्ण देहों में रहने वाला एक ही तत्व भिन्न भिन्न दिखाई देता है वो राजस ज्ञान जानो, उसको राजस ज्ञान जानो। यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन् कार्ये सप्तम अहैतुकम् अत्तत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसम् उदाहृतम्। यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन् कार्ये सप्तम अहैतुकम् अत्तत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसम् उदाहृतम्। जिस ज्ञान से एक ही प्रतिमा में ईश्वर का संपूर्ण रूप से रहना मान लिया जाता है, या एक चीज़ को पूरा समझ लिया जाता है, ऐसा ज्ञान निर्मूल है। ऐसे जिस ज्ञान में ईश्वर का अवलंबन नहीं है, जिसमें तर्क नहीं है, जिसमें सत्य नहीं है, ऐसे ज्ञान को तामस ज्ञान कहते हैं। नियतम संग्रहितम राग द्वेषतकृतम अफला त्रेपसुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म नित्य कर्म के रूप में किया जाता है, जिस कर्म से मनुष्य को आसक्ति नहीं होती, जो राग और द्वेष के बिना होता है और जिस कर्म के फल की प्राप्ति की इच्छा ना हो, वह कर्म सात्विक है।
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम, क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदाहुतम। अहंकारी व्यक्ति द्वारा जो कर्म फल की इच्छा से किया जाता है और जिसमें बहुत परिश्रम होता है वो राजस कर्म कहलाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्ताम समुच्यते। इस कर्म का फल शुभ होगा अथवा अशुभ, धन व्यय हिंसा और अपनी सामर्थ्य के विचार बिना, इन सब के विचार बिना जो काम किया जाता है वो तामस कर्म है। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्म में आसक्त नहीं होता, जिसको अपने कर्तापन का अहंकार नहीं होता, जो धैर्य उत्साह से युक्त है, जो कर्म के सिद्ध होने में या असिद्ध होने में प्रसन्न और शोकग्रस्त नहीं होता, वो कर्ता सात्विक है। रागी कर्म फला प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तिता। जो स्त्री पुत्र आदिकों में स्नेह कर कर्म करने में आसक्त होता है, जिसे कर्मफल प्राप्त करने की इच्छा रहती है, जो लोभी है, जो दूसरों को पीड़ा देने में उत्सुक रहता है, जो अपवित्र है, जो हर्ष और शोक से युक्त है, वो राजस करता है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त मतलब वेरी वेरी वल्गर, वेरी कोर्स, वेरी अयुक्त, नॉट इमर्ज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अयुक्त प्राकृत वेरी वल्गर, कोर्स, क्रैस, अनरिफाइंड। स्तब्ध स्तब्ध मीन्स वन हु इज वेरी स्टबर्न। शठ शठो डिसीटफुल मलिशियस। नैष्कृतिकोलस नैष्कृतिका, नैष्कृतिका मीन्स वन हु robs others of their livelihood and also is an expert at humiliating others. Naishkritika. Alasaha, lazy. Vishadi, always despondent. Dirghasutri cha, dirghasutri, postponing, procrastinating. Cha karta tamasa uchyate. Jo shastrokt upayon mein asavdhan hota hai, ayuktaha, who doesn't follow the shastra and who is also not immersed in Krishna consciousness. Jo शास्त्रोक्त उपायों में असावधान होता है, जो विवेकी नहीं है और किसी से नम्र नहीं होता है, अपमान करता है, शठ है, जो शोक से भरा कपटी और आलसी है, और जो काम को समय पर ना करके समय को टाला करता है, वो तामस कर्ता कहलाता है। बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम श्रुणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, सात्विक राजस और तामस इन तीनों गुणों के कारण बुद्धि और धृति के जो तीन भेद होते हैं उनको मैं पूर्ण रूप से विभागश कहता हूँ। सुनो, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्य भयाभये बंधम मोक्षम चया वेत्ति बुद्धिस्सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, जो बुद्धि कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति और अकर्तव्य कर्मों में निवृत्ति को जानती है तथा कार्य अकार्य भय अभय बंध और मोक्ष को जानती है, वो सात्विकी बुद्धि है। यथा धर्मम अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयधावत् प्रजानाति बुद्धिस्सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, जिस बुद्धि से धर्म अधर्म और कार्य अकार्य का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिस्सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो अज्ञान रूप अंधकार से ढकी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म समझती है, समस्त पदार्थों में विपरीत भाव वाली, वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियः क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिस्सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ,
जिस एकाग्र और अव्यभिचारिणी अर्थात किसी वस्तु पर न ललचाने वाली धृति से मन और इंद्रियों के कर्मों को धारण किया जाता है वो सात्विक धृति है। यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिस्सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, समय पर फल की इच्छा करने वाले जिस धृति के द्वारा प्राणी धर्म अर्थ और काम को धारण करता है, हे पार्थ, वह धृति राजसी धृति है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च नवी मुंचति दुर्मेधा धृतिस्सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जिस धारणा से अज्ञानी पुरुष स्वप्न भय शोक विषाद और मद को ग्रहण करते हैं वो धृति तामसी है। सुखम त्विदानीम त्रिविधम शुणमे भर्तर्षभ अभ्यासाद द्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भर्तर्षभ, अब मैं तीन प्रकार के सुखों को कहता हूँ जिसका अभ्यास करने में बड़ा आनंद होता है और दुख का नाश हो जाता है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो पहले विष के समान लगता है और परिणाम में अमृत के समान सुखदायी होता है, जो आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ है वो सुख सात्विक कहलाता है। विषयेन्द्रिय संयोगा यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न हुआ जो सुख पहले अमृत के समान और परिणाम में विष के समान होता है वो राजस कहते हैं, उसे राजस कहते हैं। जय श्री राम। वी विल स्टॉप हियर, कंटिन्यू इन द नेक्स्ट ट्रैक।